सत्य की प्राप्ति में बाधाओं को भिन्न भिन्न शब्दों से कहा जाता है। ये चार शब्द मैंने लिख दिए, और भी कुछ शब्द लिखे जा सकते हैं। कामना, अहंकार, फलाशक्ति, ममता, बाधक है जो सत्य को नहीं देखने देते। ये बात भी ध्यान में देने की है कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि साधना का लक्ष्य आनंद है। ये कहने का एक तरीका है, व्यक्ति को आकृष्ट करने का तरीका है। उसे कहेंगे साधना से आनंद मिलता है तो लगता है कि हाँ साधना करूं आनंद मिलेगा। ये बात दूसरी है कि जब साधना करने पर भी आनंद नहीं मिलता तो आदमी समझता है धोखा हो गया, आनंद वानंद होता ही नहीं। लेकिन साधना करने से आनंद मिलता है ये वक्तव्य वस्तुतः बड़ा भ्रामक वक्तव्य है। भ्रामक इसलिए है कि आनंद शब्द ही भ्रामक है। हमें जितना अनुभव है उसमें आनंद का अनुभव है ही नहीं, सुख का अनुभव है। और इसलिए जब हमें यह कहा जाता है कि साधना से आनंद मिलता है तो हमारे मन में सुख का एक चित्र बन जाता है कि साधना करने से ऐसा ऐसा मिलता होगा जैसा जैसा हमारे अनुभव में है। इसलिए ज्यादा अच्छा होगा हम यह आशा लेकर न बैठे कि साधना से आनंद मिलेगा। वरना बड़ा भ्रम होता है। हमारे अनुकूलता के बहुत सारे अनुभव है, अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छा कपड़ा मिल जाए, अच्छा पद मिल जाए, अच्छी प्रतिष्ठा मिल जाए, ये बहुत सारे अनुभव है जिससे हमें सुख मिलता है। और जब ये कहा जाता है कि साधना से आनंद मिलेगा तो हमारी कल्पना में कुछ ऐसा ही आता है कि ऐसा ही कुछ अनुभव होगा जैसा अनुभव अच्छा भोजन मिलने पर हो जाता है या अच्छा कोई पदार्थ मिलने पर हो जाता है, वैसा ही अनुभव होगा। कुछ ऐसी मन में कल्पना बन जाती है। साधना से ऐसा होता कुछ भी नहीं है। इस प्रकार का कोई भी अनुभव साधना से नहीं होता। जिस प्रकार का अनुभव अच्छा भोजन मिलने से होता है, प्रशंसा सुनने से होता है, पद मिलने से होता है, वो जो अनुभव है वैसा कोई अनुभव साधना से नहीं होता। इसलिए मनुष्य को, साधक को भ्रम हो जाता है जब उसको ये कहा जाता है कि साधना से आनंद मिलेगा। उपनिषद ने जब ब्रह्म का लक्षण किया, ब्रह्म माने साधना का लक्ष्य, तो आनंद शब्द बोला नहीं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म बोल दिया, आनंद निंदारद। वो सत्य है, ज्ञान रूप है और अनंत है, ये ब्रह्म का लक्षण कर दिया।
तो आनंद कहा नहीं, इसीलिए नहीं कहा कि आनंद कह दे, आनंद कह देने से भ्रम हो सकता था, हो जाता है। प्राय प्राय साधक आनंद की खोज में निकलते हैं, तरह तरह की साधनाएं करते हैं, निष्कर्ष ये निकलता है कि इस साधना से जो हमें मिल रहा है उससे अच्छा तो दुनिया में ही मिल रहा था, कोई दुनिया में कम सुख नहीं है, और यहां तो हमें ऐसा कुछ मिला नहीं जिसके लिए दुनिया का सुख छोड़े। फिर भी बहुत सारे साधक हताश नहीं होते, साधना करते रहते हैं पर उन्हें आनंद नहीं मिलता। कुछ ऐसे ही साधक कभी लगभग 9वीं शताब्दी में वाम मार्गी हो गए थे। उन्होंने कहा साधना में आनंद कैसे नहीं मिलता, जरूर मिलता है। और उन्हें जो आनंद का अनुभव था वो मांस में था, मदिरा में था, मैथुन में था। तो उन्होंने ये घोषणा कर दी कि जो आनंद अपने को मांस मदिरा मैथुन में मिलता है यही आनंद ब्रह्मानंद है। ये वाम मार्ग है। तो वो जो सारा एक आचार संहिता का क्रम चला आ रहा था वो सब तोड़ा गया, इसलिए उसका नाम वाम मार्ग हो गया। ये किसी आचार का पालन करते नहीं, विशेषकर बौद्ध उस समय बहुत थे, उनको इस वाम मार्ग ने भ्रष्ट कर दिया और बौद्ध धर्म का इस देश से लोप हो जाने के बहुत सारे कारणों में एक कारण यह भी है कि बौद्धों के वाम मार्गी अड्डे खुल गए, जहां मांस मदिरा मैथुन इसका सेवन होता रहा, तो भारत की जनता ने उसको नकार दिया कि ये तो अनाचार है, भ्रष्टाचार है, ये किस बात के साधु है, किस बात के साधक है, ये तो भ्रष्ट लोग हैं। इसे एक प्रकार की वितृष्णा हो गई और बौद्ध धर्म का प्रभाव इस देश में नहीं रह गया, बाहर चला गया, पर भारत से बाहर चला गया, भारत में नहीं रह सका। कहीं कहीं इसका संकेत उपनिषद में भी मिलता है, और उपनिषद को जब यह समझाना होता है कि ब्रह्मानंद कैसा होता है तो उपमा देता है कि जिस प्रकार कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को आलिंगन करते समय कुछ भी नहीं समझ पाता कि बाहर क्या है अंदर क्या है, बाहर अंदर सब कुछ भूल जाता है, उसी प्रकार से साधक ब्रह्मानंद में बाहर अंदर सब कुछ भूल जाता है। ये उपमा दे दी प्रेमी प्रेमिका की उपनिषद ने, तो बड़ा खतरा पैदा हो गया। इस खतरे के शिकार 9वीं शताब्दी में बौद्ध हुए, उनमें शिथिलाचार आया, समाज में उनकी प्रतिष्ठा समाप्त हो गई, और अब हमारे वर्तमान समय में इस भ्रम के शिकार ओशो या आचार्य रजनीश, वो तंत्र का एक आखिरी रूप था जिसमें उन्होंने अपने आश्रम में बहुत सारी बातों को छूट दे दी, और उन बहुत सारी छूटों में एक छूट फ्री सेक्स की भी थी।
विदेशियों में जरा ज्यादा भाई वो, पर हिंदुस्तानी भी उसकी लपेट में आए। ये बात मैंने इतनी लंबी चौड़ी इसलिए की है कि अपन वाम मार्गी तो नहीं है, पर आनंद की खोज में लगे हुए हैं। हमें आनंद की खोज छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आनंद की खोज अंततो गत्वा मनुष्य को हेर फेर करके वाम मार्ग में ही ले आती है। क्योंकि जब हम एक शब्द बोलते हैं आनंद, तो आनंद क्या होता है इसका निश्चय अपने अनुभव के आधार पर ही तो करेंगे। और हमारे अनुभव में एक अनुभव सेक्स का भी है, तो कहीं समझेंगे कि साधना से आनंद होता है तो सेक्स जैसी कुछ चीज होती होगी, फंस जाते। इसलिए हमें आनंद की खोज नहीं करनी है, सत्य की खोज करनी है। अब मामला दूसरा हो गया। अब आप भोग से गए, आनंद तो भोग में ले जा रहा था, वाम मार्ग था। आप तरह तरह के अपने मन में विचार ला रहे थे, अच्छा आज साधना में ऐसा अनुभव हुआ, बड़ा आनंद आया, तो आपने कहा हां बढ़िया, आज साधना अपनी ठीक हो गई, अपने को आनंदी तो खोजना था और आनंद आ गया। सेक्स में तो आनंद आता है, सो आता ही आता है, शराब पीने में भी शराबियों को आता है, और हम शराब भी न पीने वाले हो, गहरी नींद में तो आनंद आता ही आता है सबको, उतना उतना तो आनंद हम सबको ही आया हुआ है। तो आनंद कोई बड़ी चीज नहीं है, और इसलिए उपनिषद ने आनंद शब्द को कहा भी नहीं। और भारतीय दर्शनों में नैयायिक नहीं कहते कि मुक्त अवस्था में आनंद होता है, आनंद शब्द का नाम नहीं लेते। नैयायिक माने न्याय और वैशेषिक दोनों। सांख्य आनंद का नाम नहीं लेता कि कोई मुक्त अवस्था में आनंद होता है, ऐसा नहीं बोलता। महात्मा बुद्ध भी नहीं बोलते कि आनंद होता है। सांख्य नहीं बोलता तो योग भी नहीं बोलता। योग इतना जरूर कहता है कि साधना में एक स्टेज ऐसी आती है जो आनंदानुगत समाधि कहलाती है, जिसमें मनुष्य को आनंद होता है, लेकिन वो आनंद रिलैक्सेशन का आनंद है, ब्रह्म का आनंद नहीं है। साधना करते समय आपका टेंशन ना रह जाए, आप रिलैक्स हो जाए, इसमें से एक आनंद निकल रहा है, पर इसका कोई ब्रह्म के आनंद से लेना देना नहीं है। और मैंने उपनिषद की बात करी थी, उपनिषद में शंकर डाउटफुल है कि आनंद मानते हैं कि नहीं मानते, कभी कभी कह भी देते हैं, कभी नहीं भी कहते हैं। उपनिषद में बाद के उपनिषदों में जो 13 उपनिषद मिलते हैं उनके अलावा बाद के उपनिषदों में आनंद शब्द आ जाएगा, पहले उपनिषदों में आनंद शब्द नहीं आएगा। तो आप लोगों से निवेदन ये कर रहा हूं, सुख की खोज छोड़ देना। सुख कहो आनंद कहो, सुख की खोज आनंद की खोज असत्य के मार्ग से होती है। प्राप्ति खोज क्या, सुख की आनंद की प्राप्ति झूठ के रास्ते से होती है। और हम संसार में सुख की खोज कर रहे हैं, इसलिए झूठ के ही रास्ते पर है। खोज सत्य की करना, और जब हम सत्य की खोज करने लगेंगे तो 5-4 बाधाएं आएंगी। पहली बाधा है कामना, इच्छा। इच्छा का यह अर्थ है, देखें सत्य की तरह से देखें,
कि मुझे अमुक चीज या अमुक व्यक्ति मिल जाएगा तो आनंद हो जाएगा। दो बातें हैं, एक तो कोई चीज मिलने से आनंद हो जाएगा, ऐसा कभी होता भी है कभी नहीं भी होता है। लड़का है, शादी हो रही है, लड़की की शादी हो रही है, बड़ा धूम धड़ाका मचा हुआ है, दोनों समझ रहे हैं लड़का लड़की एक दूसरे के मिलने से आनंद आ जाएगा। मिलते एक दिन दो दिन चार दिन दस दिन, धीरे धीरे वो आनंद फेड अवे हो जाता है, और फेड अवे होकर वो आनंद तो नहीं रहता, दुख में बदल जाता है, और इतने दुख में बदल जाता है कि एक दूसरे को जहर लगने लगते। तो धोखा हो गया, आपने जहां समझा था यहां से आनंद मिल जाएगा, वहां से आनंद मिलना बंद हो गया। तो एक बाधा है कामना इच्छा, मुझे आनंद कहीं बाहर से मिलेगा, इस कारण से यह सब सच्चाई छिपी रहती है कि आनंद बाहर से नहीं आता, आनंद अपने अंदर ही है। ये पहली 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 बात समझने की है। इसलिए इच्छा करना अनावश्यक है, चीजें आएंगी अपने आप आएंगी जैसे आती, आना बंद तो नहीं हो जाएंगी, बिना इच्छा के भी आती ही रहेंगी। श्वास आ रहा है हमारे बिना इच्छा किए, रक्त संचार हो रहा है बिना इच्छा किए, भोजन पच रहा है बिना इच्छा किए, ये सब काम अपने आप हो ही रहे हैं, बिना इच्छा के भी हो रहे हैं। और तो और हमारा जन्म हो गया है बिना इच्छा किए, हमें पता ही नहीं कि हमने कभी ये इच्छा की थी कि हम पैदा हो जाए, बिना इच्छा के हो गया। और मौत हो जाती है बिना इच्छा के नहीं, इच्छा के विरुद्ध, हम नहीं चाहते कि हम मरे और फिर भी मर जाते। तो ये इच्छा की स्थिति है जो इस सत्य को देखने से रोक देती है कि आनंद कहीं बाहर से आएगा। चीजें मिलती हैं, कभी अनुकूल होती हैं कभी प्रतिकूल होती हैं। हम समझ रहे हैं कि हम इच्छा करते हैं, इच्छा करके प्रयत्न करते हैं, उस प्रयत्न से हमें चीजें मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है। ये तो प्रकृति का स्वभाव है, इसमें संयोग वियोग होता रहता है, कुछ चीजें मिलती रहती है कुछ चीजें भी छूटती रहती है। हमने जबरदस्ती अपने ऊपर ये बोझा ओढ़ लिया है कि यह हमारी इच्छा के कारण ऐसा हो जाता है। ये पहली बाधा है इच्छा, जो सत्य को, इस सत्य को नहीं देखने देती। जो सत्य नंबर दो पर है अहंकार, कि मैं करता हूं, प्रकृति करती है, मैं नहीं करता। सत्गुण रजोगुण तमोगुण करते हैं, मैं नहीं करता क्योंकि मैं निर्गुण हूं, ये बना हुआ है, मेरे में गुण है ही नहीं जो करूं, गुण है ही नहीं। ये तो दर्शन का ढंग हुआ कहने का, बोलचाल की भाषा में कहें तो मेरे हाथ पैर है ही नहीं जो कुछ कर सकूं, आत्मा के हाथ पैर होते ही नहीं कुछ करे, कर्म इंद्रियां है ही नहीं, ज्ञान इंद्रियां भी नहीं है, आंख नाक भी नहीं है जो कुछ जाने, तो आत्मा बिना इंद्रियों के क्या कर पाएगा। लेकिन मैंने अपने आप को क्योंकि शरीर समझ रखा है, इसलिए मैं समझता हूं कि मैं कर रहा हूं। अब इन दोनों का जोड़ मिल जाता है, एक तो ये कि मुझे अमुक पदार्थ से सुख मिल जाएगा, और दूसरा ये कि मैं इस अमुक पदार्थ को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर सकता हूं। तो इन दोनों के जोड़ से यह सत्य छिपा रह जाता है कि पदार्थ में सुख नहीं है,
और मैं कुछ कर सकता हूं, ये भी झूठ है। ये दो बाधाएं हो गई। तीसरी बाधा है फल की आसक्ति, और फल हमेशा भविष्य में होता है, सत्य सदा वर्तमान में होता है। इसलिए मुझे ये मिल जाएगा, ये भविष्य की जो आशा है वो मुझे वर्तमान में नहीं रहने देती, और मैं सत्य से चूक जाता हूं, क्योंकि सत्य तो सदा वर्तमान में ही है, भविष्य में तो कल्पना है, अतीत में स्मृति है। और चौथी बाधा है ममता। ये पदार्थ मेरा है, मैं चेतन हूं, पदार्थ जड़े, कोई भी जड़ चीज पदार्थ चेतन की नहीं हो सकती, दोनों का परस्पर कोई संबंध नहीं है। जड़ जड़ का ही हो सकता है, चेतन का नहीं हो सकता। ये तीसरी बाधा, चौथी बाधा है जिसके कारण हम सत्य को नहीं देख पाते। सुख मिलता है या नहीं मिलता ये सवाल नहीं है, सत्य दिखता है या नहीं दिखता ये सवाल है। और सत्य के दिखने में ये चार बाधाएं, और भी बाधाएं हैं, मुख्यतः चार बाधाएं मैंने यहां अंकित की। गीता खोलेंगे, लेकिन गीता खोलने से पहले एक बात, एक प्रयोग कर लेंगे, पर वो प्रयोग हमेशा हम करते रहते हैं, और वो प्रयोग सबसे ज्यादा प्रभावशाली प्रयोग है, सांस के देखने का। इस सांस के देखने में दो तीन बातें स्पष्ट हो जाती है। पहली बात तो ये कि सांस मैं नहीं ले रहा हूं, तो अहंकार कि मैं करता हूं, ये अहंकार टूटता है। अगर सांस मैं ले रहा होता तो चलो अभी जागते समय तो कह भी सकते हैं कि हाँ जी मैं ले रहा हूं, पर सोते समय तो हमें पता भी नहीं होता सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं ले रहा होता तो सोते समय कैसे सांस आ रहा होता, जिसमें मुझे खबर ही नहीं कि सांस आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो सांस में, सांस पर ध्यान करने पर पहली बात तो ये समझ में आती है कि क्रियाएं मैं नहीं कर रहा, कर्म मैं नहीं कर रहा। इसको गीता भी पढ़ेंगे, इसमें गीता में इसका नाम रखा नैष्कर्म्य। कर्म हो रहे हैं पर कर्म मैं नहीं कर रहा हूं, आएगा आज पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे। तो पहली बात तो ये अहंकार की है। सांस से दूसरी बात ये समझ में आती है कि ऐसा नहीं है कि सांस तो मैंने अभी लिया है और जिंदा मैं बाद में रहूंगा। जिस समय मैं सांस ले रहा हूं उसी समय मैं जीवित हूं, यानी क्रिया और क्रिया का फल एक साथ है। सांस का फल है जिंदा रहना, पर जिंदा रहना ऐसा नहीं है कि एक घंटा भर अपन पहले सांस ले लेंगे फिर उस सांस लिए हुए सांस से अगले घंटों में जिंदा रहा करेंगे दो चार घंटे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी लेते हैं अभी फल होता है। तो भविष्य में मुझे कुछ मिलेगा, सांस के ध्यान से अपने को यह पता चलता है कि हम भविष्य के लिए कोई चीज टालते नहीं है। जीवन में जो सबसे ज्यादा महत्व की चीज सांस लेना है, उसका फल भविष्य के लिए नहीं टाला जाता, अभी के अभी हो जाता है। तीसरी चीज, पहली को भी ले ले कामना को भी, सांस के हमने कोई ऐसा नहीं है जैसे पैसा कमाने की इच्छा करते हैं ऐसे सांस लेने की इच्छा कर रखी हो, कभी ऐसा होता है क्या? कोई आपन ने ये कभी डिजायर कर रखी हो कि आपन सांस लिया करें, ऐसा कुछ नहीं है, बिना इच्छा के ही हो रहा है। कामना भी नहीं है सांस में, मैं ले रहा हूं ये कर्तृत्व, ये ईगो, ये अहंकार भी नहीं है। इसका फल भविष्य में मिलेगा, ऐसी फल की आसक्ति भी सांस के साथ में नहीं है, और ये सांस मेरा है ऐसा भी ममता का भाव नहीं है। जो मेरा सांस इस क्षण में है वो बाहर निकलता है, दूसरे का सांस बन जाता है, दूसरे का सांस बाहर निकलता है
मेरा सांस बन जाता है, मेरे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, पेड़ का सांस बन जाता है, पेड़ से ऑक्सीजन निकलती है, मेरा सांस बन जाता है। तो सांस किसका हुआ? किसी का भी ना हुआ, एक से निकलता है दूसरे को मिलता है, दूसरे से निकलता है तीसरे को मिलता है। तो श्वास पर ध्यान करने का फल यह है कि अपने को ये पता चलता है कि श्वास की क्रिया इन चारों बाधाओं से मुक्त है। उसके साथ न तो कोई कामना जुड़ी है, न तो कोई अहंकार जुड़ा है, न तो कोई फल की आसक्ति जुड़ी है, और न मैं किसी चीज का मेरे साथ ममत्व जुड़ा है। तो 5 मिनट को बैठ जाएं, सांस को देखें और देखें क्या सांस आंख बंद कर ले किसी इच्छा का फल है, कोई मैंने डिजायर की थी जिसके कारण ये सांस आ रहा है। सांस की क्रिया तो हो रही है बिना इच्छा के हो रही है। आते जाते सांस पर ध्यान करें और देखें ये इच्छा के बिना हो रहा है कि इच्छा से हो रहा है। ये एक उदाहरण है क्रिया के चार बाधाओं से मुक्त होने का, बड़ा अच्छा उदाहरण है, सीधा समझ में आएगा। मैंने कभी कोई इच्छा नहीं की कि मैं सांस लूं, लेकिन बिना इच्छा के पैदा होने से मरने तक सांस का आना निरंतर चल रहा है। यानी क्रियाएं बिना इच्छा के भी होती हैं। दूसरी बात, क्या इस सांस को मैं ले रहा हूं या अपने आप हो रहा है? पता चलेगा अगर मैं ले रहा होता तो सोते समय कैसे लेता? सोते समय तो मुझे पता ही नहीं होता सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब भी आ रहा होता है। तो मेरे बिना किए भी क्रिया होती है, नंबर एक, बिना इच्छा के भी होती है, बिना किए भी होती है। श्वास पर ध्यान रखें और देखें कि श्वास की क्रिया पर क्या क्या चीजें घट रही हैं। हम प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, प्राणायाम तो करने से होता है, इसलिए उसका उदाहरण नहीं है। ये अपने आप होने वाली क्रिया का उदाहरण है। सांस जैसा भी लंबा छोटा गहरा जैसा भी आ रहा है वैसे कोई देखना, उसमें करने को नहीं जोड़ देना है कुछ कि मैं गहरा सांस लूंगा, वरना तो कर्तृत्व आ जाएगा, फिर वो श्वास प्रेक्षा नहीं रहेगी, वो प्राणायाम हो जाएगा। तीसरी बात, क्या कभी ये ख्याल में आया कि श्वास लेने का ये फल है कि मैं जिंदा रहता हूं? क्या इस फल की आसक्ति है? क्या मैं सांस इसलिए ले रहा हूं कि मैं जिंदा रहना चाहता हूं, या बिना जिंदा रहने की फल की आसक्ति के श्वास आ रहा है? तो कोई क्रिया बिना फल की आसक्ति के भी हो सकती है। श्वास की क्रिया पर ये सब बात घटाते चले, अनुभव करते चले। क्या कोई डिजायर है, कोई फल की इच्छा है जिसकी वजह से मैं श्वास ले रहा हूं कि बिना इच्छा के ही लिए जा रहा हूं? बिना इच्छा के ही श्वास आ जा रहा है। हालांकि श्वास का आना जाना मेरे सर्वाइवल के लिए अत्यंत आवश्यक है, तथापि यह क्रिया बिना इच्छा के हो रही है। चौथी बात, क्या यह सांस मेरा है? जैसे मेरी मेज कुर्सी होती है, मकान होता है,
दुकान होती है, क्या सांस उस तरह मेरा है या ये तो आना जाना है, आया और गया, गया और आया, आया और गया, इसमें मेरापन कहां जुड़ रहा है? मेरापन होने के लिए कुछ देर टिकना चाहिए ना चीज को, ये तो टिक रहा ही नहीं। ये मेरा भी नहीं है, क्रिया है पर क्रिया मेरी नहीं है। तो श्वास की क्रिया बिना इच्छा के हो रही है, बिना मेरे क्रिए हो रही है, बिना किसी फल की कामना के हो रही है, बिना किसी ममता के हो रही है कि ये मेरा है, इसे पकड़कर मैं रखूंगा। एक मिनट के लिए श्वास को देखें और देखें कि उसमें ये चारों चीजें नहीं हो रही, फिर भी क्रिया हो रही है, विधिवत हो रही है, अपना काम कर रही है, मुझे जिंदा रखे है। शायद जिंदा रहने के लिए कोई भी दूसरी क्रिया इतनी आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक ये श्वास है, लेकिन ये श्वास की क्रिया बिना कामना, बिना अहंकार, बिना आसक्ति और बिना ममता के हो रही है। श्वास को देखते रहे, श्वास की क्रिया को देखते रहे और देखते रहे उसमें कहीं फल की आसक्ति है क्या, कर्तृत्व का अहंकार है क्या, ममता है क्या, कोई इच्छा जुड़ी है क्या। यह शुद्ध कर्म है, कर्म होते हुए भी सत्य में इसलिए बाधक नहीं है क्योंकि इस कर्म के साथ न कामना जुड़ी है, न अहंकार जुड़ा है, न आसक्ति जुड़ी है, न ममता जुड़ी है। यह क्रिया का सत्य स्वरूप है। एक्टिविटी क्रिया वही सच्ची क्रिया है जो श्वास की तरह निष्काम रूप से बिना अहंकार के, बिना आसक्ति के, बिना ममत्व के होती रहती है। वही क्रिया शुद्ध है, वही क्रिया सत्य है। आंख खोल ले। जिस दिन श्वास की तरह हमारी सारी क्रियाएं इन चारों से मुक्त हो जाती हैं, उस दिन हम मुक्त हो जाते हैं। अभी तो श्वास की क्रिया है, श्वास की क्रिया में तो आपने देखा चारों से मुक्त है। चारों में कोई एलिमेंट है क्या श्वास के साथ जुड़ा हुआ, ऐसा कि भाई मेरे अंदर कामना है कि श्वास आना चाहिए, ऐसा कुछ कामना है नहीं। प्राणायाम में कामना रखते हैं, बताया जाता है कि प्राणायाम से ये फायदे होते हैं तो करने बैठते हैं, इसलिए उसमें कर्तृत्व भी आता है। तो हम प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है अपने आप हो रहा है, बिना इच्छा के हो रहा है, बिना इस ईगो के हो रहा है कि मैं सांस लेने जैसी इंपॉर्टेंट चीज कर रहा हूं, बिना इस फल की आसक्ति के होता है, अगर सांस नहीं लूंगा तो बाप रे मरी जाऊंगा, सांस तो लेना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सांस मेरा है जैसे कुर्सी मेरी है, ये तो बेवकूफी की बात है। कुर्सी तो फिर भी दो चार पांच साल पकड़े रहता हूं, सांस तो एक मिनट के लिए भी पकड़ में नहीं आता, तो मेरा क्या है? वो तो आता बाद में, जाता पहले, पकड़ में आता ही नहीं। उसको कहां पकड़ेंगे अपन सांस को? ये श्वास की क्रिया
मेरे बिना किए, मेरी बिना इच्छा के, मेरी बिना आसक्ति के, मेरी बिना ममता के कैसे हो रही है? जिस अस्तित्व ने मेरा निर्माण किया है वो अस्तित्व, सुनो भैया गोल साहब थोड़ा सा, जिस अस्तित्व ने मेरा निर्माण किया है, जन्म दिया है, वो अस्तित्व जब तक मेरे स्थिति को बनाए रखना चाहेगा तब तक उस अस्तित्व की इच्छा से सांस आ रहा है, उसने मुझे पैदा किया है, मैं तो अपनी इच्छा से पैदा हुआ नहीं, और क्योंकि उसने पैदा किया है इसलिए वो ब्रह्मा है, जन्म देने वाला है। एक ही अस्तित्व तीन रूप धारण कर लेता है, जन्म देता है तो ब्रह्मा हो जाता है। मेरी स्थिति बनी रहे ये भी काम अस्तित्व करता है, लेकिन तब वो विष्णु कहलाता है, और अब मेरे अस्तित्व की आवश्यकता नहीं है। ऐसा होने पर सांस बंद हो जाता है। ये तीसरा रूप शिव का रूप है, एक ही अस्तित्व तीनों काम कर रहा है। उसी की इच्छा से मैं पैदा हुआ, उसी की इच्छा से मैं बना हुआ हूं, उसी की इच्छा से मैं विलीन हो जाऊंगा। अभी कोई कहीं किसी का किसी की डेथ हो गई तो उसकी मुझे सूचना दी, मुझे लगा कि वो सूचना मेरे देखने में नहीं आई थी कि इन शब्दों में भी सूचना मरने की दी जा सकती है। मिस्टर सो एंड सो का तिरोधान हो गया, तिरोधान हो गया। हाँ, मैंने ये शब्द नहीं सुना था कि देवसान हो गया, स्वर्गवास हो गया, गोलोकवास वगैरह वगैरह 50 तरीके कहने के, लेकिन ये अजीब तरीका है। तिरोधान, अच्छे विद्वान थे जिन्होंने सूचना दी, माने वो दिख रहे थे, दिखने बंद हो गए, छिप गए, ये तिरोधान हो गया। कहां छिप गए? अस्तित्व से हमेशा आए थे, अस्तित्व में ही छिप गए, उसी में लीन हो गए। जिस दिन अस्तित्व की यह महिमा समझ में आती है कि अस्तित्व ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीन रूप धारण करके हमारे जीवन का संचालन कर रहा है, श्वास की तरह से हमारा उसमें कहीं कोई रोल नहीं है, वहां हम अपने से मुक्त हो जाते हैं। ये मेरा शरीर, ये मेरा मन, ये मेरी बुद्धि, ये मेरा जीवन अस्तित्व ने दिया, अस्तित्व टिकाए हुए है, जब तक चाहेगा टिकाए रखेगा, जब नहीं चाहेगा तिरोभाव हो जाएगा। मैं इसका केवल देखने वाला हूं। उस दिन क्या होता है? गीता पढ़े। जब ऐसा हो जाता है तो होता क्या? वो गीता के शब्दों में सुने से कोई बात नहीं, गलती से हो जाता है। 49वां श्लोक निकाले मेरे में, प्रश्न संख्या 417 है, 49। कल मेरी भांजा बहू मेरे पास आई थी, मुझे पता चला कि वो भी हिंदी के न्यूमेरिकल से नहीं, उसको पता है, मैं बोलूंगा 49 तो 49 से ही समझे, 49 बोलने से समझे ही नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा भाई मेरे घर में भी अंग्रेज पैदा हो गए, उनको 49 का पता ही नहीं है, 49 बोलने से ही समझते। अच्छा देखो ये क्या हो जाता है, अब समझा अपन, अब गीता को देखें। असत्य बुद्धि, बुद्धि का समझ लो समझ, उसकी समझ कहीं भी आसक्त नहीं होती, जैसे हम श्वास की क्रिया में आसक्त नहीं है। डिटैचमेंट का उदाहरण है श्वास की क्रिया। लोग तो जल में कमल वगैरह कई और उदाहरण दिया करते हैं, पर यह बढ़िया उदाहरण है। हमारा श्वास बिना अटैचमेंट के आ रहा है, इससे कोई अटैच, हालांकि श्वास जरूरी है, जैसे रोटी जरूरी है, कपड़ा जरूरी है तो उससे अटैचमेंट, पैसा जरूरी है तो उससे अटैचमेंट रहता है ना,
श्वास भी जरूरी है, इससे अटैचमेंट क्यों नहीं होता, अनासक्त क्यों रहते हैं? क्योंकि ये इतनी जरूरी चीज अस्तित्व ने ये खतरा नहीं उठाया कि हम पे छोड़ दे कि हम ले या ना ले। अब उसने कहा तो बिल्कुल फंडामेंटल चीज है, ये आदमी पर नहीं छोड़ेंगे, ये हम अपने हाथ में ही रखेंगे। कुछ गैर जरूरी चीजें हमारे हाथ में छोड़ रखी हैं, भोजन चाहे तो करें चाहे तो न करें, चाहे तो भूखे भी मर जाएं, पर श्वास अगर हम ये चाहे भी कि न ले और मर जाए तो कोई आत्महत्या करने के लिए रेल के नीचे कट के मर सकता है? श्वास रोक के नहीं मर सकता, क्योंकि ताकत ही नहीं है आदमी में कि श्वास रोक ले। सुसाइड करने का ये तरीका मैंने नहीं सुना कहीं कि किसी आदमी ने अपना श्वास रोक लिया और इसलिए मर गया। हाँ, उसके नाक में कुछ घुसा दो के श्वास आ जा ही ना सके, वो एक अलग बात है। पशुओं को ऐसे भी मार दिया जाता है। तिब्बत में जो बुद्धिस्ट हैं, अब वहां रह गए कुछ भाग आए, क्या हुआ, कहीं महात्मा बुद्ध ने यह लिख दिया कि पशु को शस्त्र से मारकर मांस नहीं खाना चाहिए। अब उन्हें तो मांस खाना है, तो क्या करें? जो याक नाम का पशु होता है उसमें नाक के मुंह में उसके कपड़ा टूट देते हैं, तो सांस तो उसके आ नहीं पाता। वो कहते हैं हमने तो शस्त्र से मारा नहीं था, ये अपने आप ही मर गया, हमने तो खाली कपड़ा डाला था। क्या बात है, क्या इंटरप्रिटेशन। तो ये तो तरीका एक अलग बात है मारने का, ये तरीका, पर हम श्वास को रोक नहीं सकते। असक्त बुद्धि बिना आसक्ति के बिल्कुल रेगुलरली जब तक जीवित रहे आखिरी सांस तक सांस आता रहेगा, ये बिना आसक्ति के है। क्या हम अपने जीवन की सभी क्रियाओं में इतना अनासक्ति भाव रख सकते हैं? ये सवाल है गीता का। और गीता का कहना यह कि आसक्ति से काम होते हैं, ये बात गलत है। आप आसक्ति नहीं रखेंगे तब भी काम होंगे, गीता ये कह रही है। कहां से होंगे? प्रारब्ध से होंगे। प्रारब्ध किसे कहते हैं? जो अस्तित्व ने अपने लेजर में अपने बही खाते में लिख रखा है कि इसके ये कर्म और इन इन कर्मों के कारण ये भोग और इन भोगों के लिए इतने समय तक की आयु, जाति आयु भोग, ये तीन चीजें लिख रखी है। तो मेरे जो कर्म है, जाति माने जन्म, मेरे जो कर्म है उसके अनुसार अस्तित्व मुझे जन्म दे दिया, आयु दे दी और भोग दे दिया। वो आयु और भोग तो मुझे भोगना ही पड़ेगा, मैं कुछ करूं या ना करूं। अब उन भोगों के भोगने के लिए जो कर्म होने हैं वो श्वास की तरह स्वयं होंगे। असक्त बुद्धि सर्वत्र, ये सर्वत्र शब्द जोड़ दिया, क्योंकि कुछ चीजों में तो असक्त बुद्धि होते ही है, पर कहा नहीं है कुछ चीजों में होने से काम नहीं चलेगा, सर्वत्र असक्त बुद्धि होनी चाहिए। जितात्मा, फिर जहां जहां ये बात मन में आती है कि मैं करूंगा, उस बात को जिसने जीत लिया है, ये समझ लिया है कि नहीं मैं नहीं कर रहा हूं स्वतः। अब देखो, मैंने आपसे कहा सुख की खोज नहीं हो रही है, सत्य की खोज हो रही है। और सत्य ये है कि चीजें अस्तित्व के द्वारा हमारे प्रारब्ध के हिसाब से स्वयं घटित होती ही रहती हैं। हम अज्ञानवश ये समझते हैं कि कोई दूसरा नहीं कर रहा है, मैं कर रहा हूं, यह अहंकार हुआ, विगतस्पृह है। इसलिए उसमें ये स्पृहा, मुझे अमुक अमुक चीज मिल जाए, ये स्पृहा नहीं रह जाती। स्पृहा माने कुछ प्राप्त करने की इच्छा। ये चार बातें होने पर, तीन ही है, असत्य बुद्धि होने पर, जितात्मा होने पर, विगत स्प्रह होने पर, नैष्कर्म सिद्धिम परमाम, वो परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। नैष्कर्म का मैंने बताया, कर्म होते हुए भी अकर्म, कर्म होते हुए भी ये कर्म मेरा नहीं है,
सांस लेते हुए भी सांस मैं नहीं ले रहा हूं, ये निष्कर्म सिद्धि हुई। संन्यास नाधिगच्छति, इसका नाम संन्यास है। पूछा था ना 18वें अध्याय के प्रारंभ में, निकाला क्या पूछा था अर्जुन ने, क्या पूछा था पहला श्लोक पूछा, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। मैं संन्यास तत्व को जानना चाहता हूं। त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केश निषूदन, और त्याग किसे कहते हैं ये जानना चाह रहा हूं। अरे त्याग किसे कहते हैं, ये किताब रखी मैंने बाहर फेंक दी, त्याग हो गया, नहीं इसको त्याग नहीं कहते। ये पुस्तक प्रकृति की है, प्रकृति में टिकी हुई है, प्रकृति में लीन हो जाएगी ये पुस्तक, इसलिए मेरी नहीं है। यहाँ रहे या बाहर रहे इससे अंतर नहीं पड़ता। पुस्तक में से मेरी ममत्व बुद्धि हट गई, इसका नाम त्याग है। संन्यास किसका नाम है ये अपने 49वें श्लोक में हमने देख लिया। असत्य बुद्धि ही सर्वत्र जितात्मा विगतत्व है, नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासे नाधिगच्छति। ये तो संन्यास का नैष्कर्म का उपाय हो गया। उपाय आपके ख्याल में आ गया क्या? हमने श्वास के उदाहरण से इस बात को समझने की कोशिश की कि कैसे हम अनासक्त रह सकते हैं, कैसे हम कर्म से पृथक रह सकते हैं, कैसे हम ये कि ये और हो जाए इस वहां से अलग रह सकते हैं। ये जब हो जाएगा तो नैष्कर्म की सिद्धि हो जाएगी। उससे क्या होगा, सिद्धिम देखे 50वां श्लोक देखें, सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा प्रोति निबोधमें। जिसने इस नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त कर लिया वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम को कहो, सत्यम ज्ञानम अनंतम को कहो। ब्रह्म का लक्षण तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ही दिया, शास्त्रकारों ने इसी लक्षण को उद्धृत किया है। उस सत्य को प्राप्त हो जाता है जो ज्ञान रूप है, पदार्थ रूप नहीं है, और अनंत है जिसका कोई अंत नहीं। तो ये साइंटिस्ट भी कहते रहते हैं कि भाई प्रकृति के रहस्य का कोई अंत नहीं है, हमने जितना जान लिया उसके बाद कितना जान और बाकी रह गया उसकी कोई खैर खबर नहीं है। वो अनंत तो है, अनंत तो है। अपन आनंद की खोज नहीं कर रहे हैं, सत्य की खोज कर रहे हैं। और सत्य की खोज में सबसे पहला जो हमने स्टेप उठाया वो नैष्कर्म सिद्धि उठाया, और नैष्कर्म सिद्धि के लिए जो तीन शर्तें रखी, असक्त बुद्धि, जितात्मा, विगतस्व, ये नैष्कर्म सिद्धि हो गई। इससे सत्य ज्ञान अनंत की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे? समासे नेव कौन्ते निष्ठा ज्ञानस्य यापरा, संक्षेप में है अर्जुन में वो तुम्हें बताता हूं, और वो ज्ञान की पराकाष्ठा है, ज्ञान की अंतिम सीमा है, उससे आगे ज्ञान नहीं है। ज्ञान की पराकाष्ठा समझ लो, सत्य की पराकाष्ठा समझ लो, इससे बड़ा सत्य नहीं है। क्या? ब्रह्म की प्राप्ति। ब्रह्म की प्राप्ति किसके द्वारा? नैष्कर्म सिद्धि के द्वारा। नैष्कर्म सिद्धि किसके द्वारा? असक्त बुद्धि के द्वारा, जितात्मा के द्वारा, और विगत प्राप्ति के द्वारा। तो सत्य की खोज में अपन निकले, ज्ञान की खोज में निकले, आनंद की खोज में नहीं निकले। तो ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है? पराकाष्ठा यह है कि इस नैष्कर्म सिद्धि से ब्रह्म की यानी सत्य ज्ञान और अनंत की प्राप्ति हो जाए। वो कैसे होगी? 51, 52, 53 तीन श्लोक, 54 चार श्लोक पढ़ लेते हैं। बुद्धिया विशुद्धया युक्त है, निष्कर्म सिद्धि तो हो गई, अब ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। तो पहली शर्त है बुद्धि को शुद्ध कर दो। बुद्धि की शुद्धि क्या है? विचार बुद्धि में से निकल जाए ये बुद्धि की शुद्धि है, विचार आ जाए ये बुद्धि की अशुद्धि। तो निर्विचारता,
थॉट जो है वो बुद्धि को अशुद्ध बनाए रखते हैं, अच्छे हो बुरे हो, और बुद्धि अपना काम इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाती, यही उसकी अशुद्धि है। वो विचारों से प्रेरित होकर काम करती है, अच्छे काम करती है अच्छे विचारों से, बुरे काम करती है बुरे विचारों से, लेकिन विचारों के अधीन हो जाती है, ये उसकी अशुद्धि है। धृत्यात्मानं नियम्यच, और अपने आप को धैर्यपूर्वक नियंत्रण में रखकर, आज ही ब्रह्म हो जाऊंगा ऐसा नहीं, कब होऊंगा पता नहीं, धैर्य धैर्य चाहिए। इतने दिनों से कर रहा हूं प्राप्त नहीं हुआ, धैर्य चाहिए। शब्दाधीन विषयांश त्यक्त्वा, और इंद्रियों के जो विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांच पांच इंद्रियों के पांच विषय, इनको छोड़कर राग द्वेष उद्देश्य च, राग और द्वेष से ऊपर उठकर, ये अभी कंटिन्यूटी चल रहा है भाई, क्रिया नहीं आई अभी, क्रिया 53 में आएगी। विविक्त सेवी, एकांत का सेवन करने वाला, ये भी अजीब बात है, एकांत का सेवन माने एक कमरे में बंद हो गया ना, एकांत का सेवन करने का अर्थ है मैं दूसरों को कैसा दिखाई देता हूं यह छोड़कर मैं अपने आप को कैसा दिखाई देता हूं, यह विविक्त सेवन है। दूसरे समझ रहे हैं मैं विद्वान हूं, बैठ जाऊं देखूं मैं हूं क्या, ये एकांत सेवन हुआ। दूसरा राजादार अभिनंदन पत्र बांटते रहेंगे मेरी प्रशंसा में, ये विद्वान है, ये शास्त्र के मर्मज्ञ है, कुछ भी है, वो प्रशस्ति पत्र दूसरों ने लिखे हैं, वो मेरे नहीं है। मैं देखूं कि जो कुछ ये लिख दिया है तो एक फॉर्मेलिटी है, एक रिचुअल है, मैं सचमुच में क्या हूं या अपने को देखूं, दूसरे की अपेक्षा न करूं कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है। जब मैं इसकी चिंता करता हूं कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है, तो मैं अपनी असली चेहरा छिपा लेता हूं और वो मुखौटा लगा लेता हूं जो मुखौटा दूसरों को पसंद आया करता है। तो मुखौटा लगाए ही घूमता हूं, क्योंकि मुझे चिंता ये कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं वो देखूं, ये सत्य की पहली शर्त है। दूसरों के कहने से न मान लूं कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, इतना मेरा ज्ञान, कुछ लेना देना नहीं दूसरे के कहने से, दूसरे मुझे जान ही नहीं सकते कि मैं कौन हूं, मुझे खुद को ही पता लगाना पड़ेगा। कोई किसी दूसरे को नहीं जान सकता कि वो क्या है, अपने को ही जान ले तो बहुत बड़ी बात है, दूसरे के जानने की बात छोड़। लघ्वाशी ही, आशी माने खाना, जिसका भोजन थोड़ा है, भोजन का अर्थ आवश्यकता है, जिसने थोड़ी आवश्यकताएं रखी है। यत वाक काय मानस है, जिसने वाणी शरीर और मन पर संयम कर लिया है, ध्यान योग पर है, और जो इस ध्यान में चला गया है कि मैं साक्षी हूं, दृष्टा हूं, कर्ता नहीं हूं, नित्यम वैराग्यम समुपाशित है, उसमें कोई कामना नहीं रही, वैराग्य हो गया, अहंकार नहीं रहा। और अहंकार के ये बहुत सारे पांच अहंकार के कॉन्स्टिट्यूएंट गिना दिए आगे, बलम ये अहंकार का पहला का घटक है, दर्पम ये दूसरा है, कामम तीसरा, क्रोधम चौथा, परिग्रहम आसक्ति। विमुच्य निर्ममय, इन सबको छोड़कर निर्ममय ममता को, शांतो व्यक्ति उस शांति को प्राप्त हो जाता है जिस शांति में व्यक्ति ब्रह्म भूयाए कल्पते, ब्रह्म के समान रह जाता है। तो 51, 52, 53 में निष्कर्म सिद्धि होने के बाद भगवान ने वो उपाय बतला दिए, खूब सारे गिना दिए, जिन उपायों के द्वारा मनुष्य ब्रह्म रूप हो जाता है, बहुत सारे उपाय गिना दिए। ये बहुत सारे उपायों के गिनने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी एक को समझ लो सब समझ में आ जाएगा।
देखें बुद्धिया वेद 51 में देखें, बुद्धि शुद्ध हो जाए बाकी अपने आप फॉलो करेंगे। संस्कारों से विचारों से प्रेरित न हो, शुद्ध हो जाए, सत्व गुण उसमें रह जाए, इनमें से कोई भी एक देख लेंगे आप, करने से सारे स्वतः हो जाते हैं। लेकिन विस्तार के लिए, ताकि व्यक्ति को समझ में आ जाए, इसलिए एक ही बात को इतने तरीकों से कह दिया गया है। ऐसा 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 होने पर, वस्तुतः वो एक ही बात है, उसके होने पर ब्रह्म भूयाय कल्पते तक 54 में और देखे, ब्रह्म भूत है प्रसन्न आत्मा। अब आनंद की बात कर रहा है, पर आनंद शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा, प्रसन्न शब्द का प्रयोग कर रहा है। और प्रसन्न का अर्थ आनंद नहीं होता, सुख नहीं होता, प्रसन्न का अर्थ निर्मलता होता है। ध्यान करना, संस्कृत में प्रसन्न का अर्थ है निर्मलता। निर्मल ही क्योंकि सुखी होता है, इसलिए सुख अर्थ हो गया। तो सेकंड मीनिंग है, फर्स्ट मीनिंग तो निर्मलता है। जब किसी नदी का जल निर्मल हो रहा होता है ऐसा आप कहते हैं, तो कहते हैं जलम प्रसन्नम, इसका जल निर्मल है, ऐसा बोलो। तो वहां कोई जल को बेचारे को प्रसन्नता प्रसन्नता से कुछ लेना नहीं है, वो निर्मल है। न शोचती न कांक्षती, दुखी भी नहीं होता, इच्छा भी नहीं करता। समय सर्वेषु भूतेषु, और सब प्राणियों के प्रति उसका समता का भाव हो जाता है। मद भक्तिम लभते पराम, तब वह मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। भक्त भक्ति का स्वरूप बता दिया। घंटी बजाओ ना बजाओ, दंडवत करो मत करो, शर्त तो ये है। मना नहीं है, दंडवत करना तो करो, घंटी बजाना है बजाओ, उसको मना करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि घंटी बजाते हुए भी करता तो आप हो नहीं, तो घंटी भी आप नहीं बजा रहे हो, अपने आप ही बज रही है। आप तो निमित्त हो, तो बजाने जिस चीज के आप करता हो ही नहीं, उसका मना भी क्या करना, और कहो ये कहना भी क्या करना, स्वयं ही हो रहा है। समय से ये भक्ति का गोयल साहब लक्षण भी रखा है। अब मैं नहीं जानता भाई, ये तो भक्ति शब्द पड़ा, ये मुझे पता नहीं क्या चक्कर है। जो आदमी ये कहे मुझे तो भक्ति मार्ग अच्छा लगता है, तो गीता ने बताया क्या भक्ति किसे कहते। निर्मलता होनी चाहिए, शोक होना नहीं चाहिए, इच्छा होनी नहीं चाहिए। अब ये नहीं होगी तो भक्ति हो गई, तो क्या हो गया, ये भक्ति भी हो गई, ज्ञान भी हो गया, कर्मयोग भी हो गया। ये होगा तो ज्ञानी नहीं हो गया क्या वो? तो ज्ञानी और भक्त अलग अलग कार है, दोनों एक ही होता है। ये लक्षण दे दिया, लेकिन व्यक्ति बहुत दुखी होता रहता है कि मेरी लड़की की शादी नहीं होती, तो सोचते हो गया ना, और गोविंद देव में जाकर घंटी बजाता है, हे भगवान शादी कर दो, और कहता है भक्ति हो रही है। अरे भाई, तो भक्ति का लक्षण तो न सोचती है यार, और तुम शोक में यहां आए और कह रहे हो कि मैं भक्त हूं, ये कौन सी भक्ति हो रही है? तो भगवान ने कहा आर्थ भी भक्त हुआ करते हैं, है ना, बतला था। दुखी लोगों की भी एक भक्ति होती है, दुखी लोगों की भी एक भक्ति होती है। जैसे शास्त्र में उदाहरण देते हैं, ये आक का पेड़ होता है ना, अर्क घोड़े का पेड़, उसमें भी दूध होता है, तो दूध वो भी और गाय का दूध भी दूध है, दोनों का ही नाम दूध है, लेकिन दोनों दूध है नहीं, दूध तो असल में गाय का ही है। आकोड़े में भी दूध निकलता है, नाम भी उसका दूध है, शक्ल भी उसकी दूध जैसी है, लेकिन वो दूध का काम करता नहीं है। ऐसे आर्त भी भक्त है, कुछ कामना को लेके भी हनुमान जी के पास चला जाता है, कोई सवामणि भी बोल आता है, ये भी भक्त है ऐसा कह दिया, लेकिन ये आकोड़े का दूध है, गाय का दूध नहीं है। हाँ, तो नाम इसका भी दूधी नाम है, ये भक्त नहीं है। भक्त का तो ये लक्षण दे रखा है, वो कहां से बीच में घुस गया, जहां मनोतिया मनाते फिरते हैं, या तो न काम खती मनोती मनानी नहीं, ये लक्षण दे रखा है भक्त का, और हम मनोती बनाने को भक्ति समझ रहे हैं, तो वैसा ही है ना, जैसा आकोड़े के दूध को भी दूध कह देते हैं।
ऐसे उसको भक्ति कह देते, वो भक्ति वस्तु तय है नहीं। इतनी बात गीता ने कही, गीता अब धीरे धीरे संपन्नता की ओर जा रही है। मैं मानता ऐसा हूँ, वैसे तो भगवान की जैसी इच्छा, कि इस वर्ष के अंत तक, अब नवंबर है ना, तो दिसंबर के अंत तक गीता पूरी हो जाएगी और उसके बाद हम लोग वेदांत का पाठ चालू करेंगे। किसी पुस्तक का पाठ नहीं चालू करेंगे, वेदांत पर जो मैं लिख रहा हूँ, लिखना मेरा चालू है और आशा है पहली जनवरी तक मेरे पास 10-5 लेक्चर तैयार हो जाएंगे, ताकि 2 महीने चले और इतने में और 10-5 लेक्चर तैयार हो जाएंगे, तैयार होते रहेंगे और आपके सामने आते रहेंगे। उसका प्रयोजन ये है कि वो एक टेक्स्ट बुक की तरह से बन रहा है ना। इसमें गीता टेक्स्ट बुक है ही नहीं, कोई भगवान ने यूनिवर्सिटी में प्रिस्क्राइब करने को गीता नहीं बनाई। संवाद हो रहा है, जो सवाल जवाब हुए अर्जुन को वहां की वहां पकड़ा दिए, वो अलग बात है। मैं टेक्स्ट बुक बनाने की कोशिश में हूँ, आगे जैसी भगवान की इच्छा होगी वैसा हो जाएगा, कोई बात नहीं है। कोशिश करता हूँ मित्रों कि जब कुछ करूं तो ये भाव मन में न आवे कि मैं कर रहा हूं, लेकिन आपके सामने कहना चाहता हूं ये भाव बार बार आता है। और जब जब ये भाव आता है तब तक वो कर्म बंधन का था। बिल्कुल, निष्कर्म सिद्धि नहीं होती। और ब्रह्म भूमि आए तो बात उसके दूर की है, उसके आगे की बात कैसे होगा। ये भक्ति का दूसरा रूप है जो अभी कह रहा हूं, मेरी इच्छा से नहीं होगा, भगवान की इच्छा से। जब सारे काम उसकी इच्छा से हो रहे हैं तो मेरा अज्ञान भी दूर उसकी इच्छा से होगा। मैंने तो दंड बैठक जितनी पहलनी थी पहल ही रहा हूं 84 साल से, नहीं हुआ। सर किसी को तो हुआ होगा आज तक, किसी को क्या। ये सारे ग्रंथ, सारे वचन उपनिषद के, वेद के, गीता के, उन्हीं के जिनको हुआ है। हम उन्हीं के ग्रंथों को सिर से लगाते हैं, हर ग्रंथ को सिर पर नहीं रखते। हम उसी के ग्रंथ को मान्यता प्रदान करते हैं जिसको ये हो गया है। इसलिए इस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा, क्यों पहुंचे हैं। अरे देखो सुनो, होता क्या है कभी कभी जब आते हैं तो मैं पहले आ गया हूँ, जब जाएंगे तो जो सबसे पीछे ना वो सबसे पहले निकल जाएगा। जब आवाज टर्न होता तो पता चलता नहीं कि आगे कौन है और पीछे कौन है, पीछे वाला ही आगे हो जाता है। ये जो अपना आगा पीछा है ना, भी ये सांसारिक है। इसका ब्रह्म ज्ञान से समय सर्वेशु भूतेशु बोल दिया ना, हम सब समान है। ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा दूरी पे है, कोई कम दूरी पे है। अरे छलांग लगानी है 10वीं मंजिल से लगाओ कि दूसरी मंजिल से लगाओ, छलांग तो छलांग है यार, उसका मंजिल से क्या लेना देना। उसका मंजिल से क्या मतलब कि कौन सी मंजिल से छलांग लगाई, सड़क पे आना है, बात खत्म हो गई। जहां खड़े वहीं से लगा दो। हाँ, अगर रहना है घर में तो मंजिल का फर्क है, आप कौन सी मंजिल पे रहते हैं। पर अगर सड़क पे आना है तो ये सवाल इरेलेवेंट है कि आप किस मंजिल से सड़क पर आए। सब सड़क पे आ गए ना, मंजिल से क्या लेना देना ऐसा, क्यों तो सड़क पर आने वाला मामला है ये। हाँ, इसलिए मेरे और उसके कुछ नहीं है। इसलिए मैं कभी कभी डरता भी हूं। देखो मनुष्य का मन है ना कच्चा होता है, कि यार जो बेवकूफ घूम रहे हैं ऐसा ना हो ये तो मुक्त हो जाओ और मैं रह जाऊं। ये मन में मेरे भी क्या बैठा हुआ है। मैं वैसे ही दंड बैठक पहले जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं रहा, कि वही घूम रहे हैं, क्या पता भगवान की इन पे ही कृपा हो जाए। आप लोगों की बात नहीं करता, आप तो विद्वान लोग हो। मैं सड़क पर घूमने वाले जिसको मूर्ख समझते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसका कब क्या हो जाए इसकी खबर नहीं है, इसकी खबर नहीं है। वही बात है ना, कौन से मंजिल से छलांग लगावे, वो मंजिल इंपॉर्टेंट नहीं है, छलांग लगाना इंपॉर्टेंट है। मंजिल तो अहंकार का नाम है, उसको छोड़ना है ना, तो छलांग लगाना हुआ ना, अहंकार को छोड़ना हुआ, छलांग लगाना हुआ।
सीढ़ी से नहीं उतर सकता. सीढ़ी से उतर जाओ सर, मना नहीं. सीढ़ी से उतरने में 84 लाख सीढ़ियां उतर आएगा. हाँ ये समझ लेना. हाँ उतर उतर के ही आप पहुंचे. ऐसे ही थोड़े आप पहुंच गए. मनुष्य योनि में नहीं आ गए क्या बिना सीढ़ी के? कोई बात नहीं, उतरो. जितने उतरने उतरना, मना नहीं. उतर कर भी पहुंचते हैं. क्रम उपासना भी है, क्रमशः होती है, और सद्य उपासना भी है, तत्काल भी हो जाती है, तत्काल भी हो जाता है, इसकी कोई खबर है. ठीक है, तारीख क्या हो गई भैया? 30 नवंबर को होगा. 4-5 दिसंबर के उसमें इसको पूरा करके अपन, और फिर वेदांत पर आ लेंगे.